तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि YouTube स्टूडियो में एक नया फीचर इनेबल हुआ है जिसपे आप भी अगर आपने कोई भी वीडियो प्राइवेट किया है एंड नहीं चाहते कि दूसरे पब्लिक करने से पहले दूसरे लोग उनको देखे लाइक 3-4 क्लोज फ्रेंड हो गए या आपके टीम मेंबर्स हो गए तो वो देखे तो उसके लिए एक नया फीचर है तो शेयर प्राइवेटली आप कर सकते हैं उसे ईमेल आईडी डालना है एंड डन करना तो ये जो भी उसको जैसा नोटिफाई होगा वो देख के एंड बता सकता है कि हाँ वीडियो ओके है या नहीं है कि उस पर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए इस तरह से कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि मैं अपने टीम के एग्जांपल लेता हूँ। हमारी टीम में 4-5 लोग हैं, एक इंटर्न है, 2-3 हमारे जो टीम हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके उनको दे देता हूँ, एक वीडियो एडिट करता है, एक फाइनल टच करता है, बैकग्राउंड म्यूजिक डालता है, इंट्रो डालता है, तो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो एंड फिर फाइनल में वो लोग मुझे पहले अनलिस्टेड करके देखते थे कि सर ये लिंक है एंड आप देख लीजिए एंड उसके बाद आप ओके कीजिएगा तो हम उसको पब्लिक बनाते हैं या फिर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो फिर मैं उनको एडवाइस देता हूँ। तो इस तरह से आप पहले ये ऑप्शन था, बट अभी क्या है कि आप उसको प्राइवेट में भी कर लीजिए एंड फिर अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो लिंक पे शेयर करके आप ईमेल आईडी डाल के उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये ईजी हो गया। तो पूरा वीडियो में सीखेंगे कि क्या स्टेप्स है, कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस है। तो देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं विशाल का। तो अभी हम सीखेंगे कि आप कैसे यूज़ करना है उसको। तो ये देखिएगा, चैनल का डैशबोर्ड है एंड वीडियोज़ है एंड इस तरह से आपको वीडियो नज़र आएगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड है, प्लेलिस्ट है यहाँ पे, उसके अंदर में आपको वीडियो सेलेक्ट करना है। अभी हम एक वीडियो सेलेक्ट करेंगे, लेट्स सी ये सेलेक्ट किया मैंने, एडिट पर क्लिक कीजिए एंड एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको डाउन साइड में मिलेगा विजिबिलिटी, उस पर क्या करना है आपको ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिए ड्रॉप डाउन पर प्राइवेट अनलिस्टेड एंड पब्लिक कर स्क्यूडल कर सकते हैं। तो ये पहले ऑप्शन था। तो अभी हमने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि अनलिस्टेड की मैंने बात की थी एंड इस तरह से आप उसको लिंक शेयर कर सकते थे एंड उसके बाद आपको क्या है प्राइवेट, तो प्राइवेट के अंदर में एक नया ऑप्शन इनेबल हुआ शेयर प्राइवेट, इसका क्या है इसको पे क्लिक कीजिए एंड आप देखिएगा यहाँ पे शेयर वीडियो प्राइवेटली है एंड यू कैन इन्वाइट अदर्स बाई ईमेल आईडी डाल के आप दे सकते हैं एंड गूगल अकाउंट होना चाहिए जो जिसको आप भेज रहे हैं। पहले सपोज कि मैं अपना ईमेल आईडी डालता हूँ arya.osp@gmail.com एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आप देख पाएंगे नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा नोटिफाई वाया ईमेल या नॉट, तो इसको आप डिपेंड करता है आप चेक अनचेक करने के बाद आप उसको क्या करना है डन पे क्लिक करना। डन पे क्लिक करने के बाद वो उसको चला जाएगा एंड वो पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं वीडियो को शेयर कर सकते हैं प्राइवेट। तो देखा दोस्तों कितना इजी मेथड था। तो ये स्टेप्स है एज अ यूट्यूब क्रिएटर आप देख सकते हैं एंड क्रिएट कर सकते हैं एंड उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में एंड टिल देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, मोमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय।